मोहन मोहन मोहन, व्रत मेरा है तुम्हारा नहीं, सो जाओ। अरे मैं तो बोलता हूँ तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए। दुनिया जो है वो तेजी से आगे की तरफ निकल रही है और तुम तेजी से पीछे की तरफ। ये भूखी प्यासी रहोगी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी यार। दुनिया आगे जा रही है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमारी संस्कृति भूल जाए, हमारी आस्था को पीछे छोड़ दे। और ये सब मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए कर रही हूँ। आज मेरा पहला हरियाली तीज व्रत है मोहन। इसलिए हरियाली तीज में हरा भरा कबाब बन के घूम रही हो तुम। लड्डू जब रही लड्डू मन कर रहे ना तुम्हें खा जाओ। ये जो तुम बोल रही हो ना, ये भूखी प्यासी रहने से ना ये तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी, मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या लॉजिक है? ये तो वही वाली बात होगी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालो तो गाड़ी और ज्यादा चलेगी। ये व्रत व्रत ना ये सिर्फ औरतों को परेशान करने के टेक्निक से, टॉर्चर करने के। परेशानी नहीं प्यार है, और मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और व्रत इसलिए रखा है ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये बात दो तरफा होनी चाहिए ना, क्योंकि यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूं, तो आज से हर साल मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा। पागल वागल हो गए हो क्या? ऐसे भूखे रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। भूखे रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अब सोच लिया, तुम मेरे लिए व्रत रखना चाहती हो क्योंकि तुम मुझे प्यार करती हो ना। तो मैं तो तुमसे डबल ट्रिपल चौबल पता नहीं कितना प्यार करता हूँ। नहीं मैं ज्यादा प्यार करती हूँ। तो आज से ना, आज से मैं वादा करता हूँ तुमसे कि आज से हर साल मैं तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हे बाकी बिहारी जी, कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा है, क्या खाया हम? अगर व्रत रखने का मतलब किसी से प्यार करना होता है ना, तो मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ कि आज दिन भर खाऊंगा, दिखाऊंगा तुम्हें कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। बच गए। तुमने भी व्रत रखा है? हम हाथ जोड़कर तुझसे विनती करते हैं, वहां किसी को मत बताना कि तू ये व्रत मोहन के लिए रख रही है। तुझे मेरी कसम है, मोहन जी को बता नहीं सकते कि हमारा व्रत है। तुम्हारा व्रत है? नहीं, वो सबने व्रत रखा है ना, तो हम सब अपना अपना देख लेंगे। तुम्हें सबकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, भूख लगेगी खा लेंगे। और तुम सादा अच्छा बनने के चक्कर में मत पड़ा करो, रहने दो उसे खुला। आपने भी व्रत रखा है? व्रत नहीं है कोई, वो भूख लगी है इसलिए खाने आ गए। तो लीजिए। हम चाहते हैं मोहन जी। हरियाली तीज की शुभकामनाएं मोहन।
इतनी नफरत करते हो मुझसे कि मेरे जाने के बाद भी मेरे लिए व्रत रखा है तुमने? सूर्योदय से पहले तो तुमने खा लिया, अब दिन भर तो कुछ नहीं खाओगे ना, या खा लोगे? हाँ, मुझसे नफरत करने का झूठ तुम बोल तो सकते हो मोहन, लेकिन तुम्हारे आंसू नहीं, जी, अब तो आप ही का सहारा है। कुछ खाने को तो मिला ही नहीं हमें, अब तो मोहन जी के लिए निर्जला व्रत ही रखना पड़ेगा। शक्ति देना बाके बिहारी जी, शक्ति देना। रात सो जाओ, नहीं तो गेस्ट रूम में भेज दूंगी, फिर वही रहना। नहीं नहीं गुनगुन, नहीं नहीं, हम चुप रहेंगे, एकदम चुप रहेंगे। आप हमें गेस्ट वो रूम में भेज देंगी तो हम तो भूत से पहले डर से ही मर जाएंगे। नहीं नहीं, आप सो जाइए गुनगुन, सो जाइए। क्या फालतू के कामों में लगा रखा है मुझे। गुरु मां ने जो लड़की ढूंढने को कहा था वो अभी तक मिली नहीं। कुछ भी करके तुलसी को अपनी जिंदगी से बाहर करने का मौका अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। मुझे वो लड़की ढूंढनी ही होगी। और अच्छे से बेटा। छोटी काकी जी, हमने सबको नाश्ता करा दिया है और गुनगुन को भी उनका चॉकलेट पाउडर वाला दूध पिला दिया हमने। अच्छा ठीक है। वैसे तुम अगर ये सब कर रही हो, दुलारी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? छोटी काकी जी, दुलारी जीजी का भी व्रत है ना, तो हमने उनसे कहा कि वो भी थोड़ा आराम कर ले। हम बाकी सब देख लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, हाँ सब हो जाएगा। अगर तुम हो तो हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है। माँ, ये मुझसे बन ही नहीं रहा है। जीजी बहुत सरल है, वो जो हल्दी का घोल है ना उससे बड़ा सा गोला बनाइए, अब एक छोटा सा गोला बन जाएगा। फिर राधा, हमारी बेटियां है ना स्कूल में बहुत होशियार थी, हर सवाल के जवाब देती थी, ये काम भी वो कर लेगी। तुम्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। जी माँ, नहीं हो पाएगा मुझसे ये। तुमने जोड़ना का सिर्फ तोड़ना सीखा है दामिनी, फिर वो घर हो, परिवार हो या फिर रिश्ता, तुम्हारे हाथों से शिव पार्वती जी कैसे बनेंगे? दामिनी जी, लाइए हम बनाते हैं। शंकर जैसे मिले सबको प्यार।
अरे वाह, तुम ये भी कर लेती हो? बस यही आता है उसे। पंडित जी की बेटी है ना, भगवान की सारी मूर्तियां बना लेती है ना? हमेशा पूजा करती रहती है। हाय बाकी बिहारी जी। हो बाकी बिहारी जी, एटलीस्ट आज बाकी बिहारी जी को ब्रेक देकर पार्वती माता पर फोकस कर। कोशिश मत करना, ओके? ओके। आप दोनों मिलकर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं ना? पलटन बना ली ना अपनी हमारे खिलाफ। देखा राधा, एक पल के लिए ही सही, बाप बेटी दोनों एक हो गए थे। मोहन जी। हम्म जी। आपने नाश्ता नहीं किया होगा ना? आप कुछ खाएंगे? हम बना दे, पराठे बना दे आपके लिए। फिर पड़ गई मोहन के पीछे। तो हम जॉगिंग से आ रहे हैं ना? अच्छा। तो वहाँ पर शेखर के साथ वो हमारे फेमस नंदू हलवाई जो है उनके पास समोसे और दही कचौरी खाकर आए हैं। झूठ, नंदू हलवाई के समोसे तो मुझे भी पसंद है, लेकिन आज तो उसकी दुकान बंद है, आज गुरुवार है मोहन। तुम नाश्ता मत बनाओ, तुम बस ही बनाती रहो, है ना? लीजिए दामिनी जी, बन गए शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी, पूरा शिव जी का परिवार। अरे वाह राधा, मूर्तियां तो तुमने बहुत अच्छी बनाई हैं। पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। सबका इतना ख्याल रख रही हो सुबह से, सबको नाश्ता करवाया, तुमने कुछ खाया या नहीं? या तुमने भी व्रत रखा है मन चाहे पति के लिए? वो छोटी काकी जी, हमने व्रत नहीं रखा है। वो हमें अभी याद आया कि वो राहुल भैया और काका जी के लिए ना फल काटने थे, हम फल काट कर आते हैं। हाँ उस सिंदूर को छूने वाली एक पवित्र लड़की होनी चाहिए, जिसके केश उसकी आस्था की तरह सिर्फ बढ़ते ही चले जाए। मां, मैं जरा राधा की मदद कर देती हूं।
राधा की मदद, वो भी हमारी बिटिया, जरूर कुछ मतलब होगा, तभी राधा की मदद के बहाने गई है। भगवान हाथ में लिए बैठे थे, दादी के चक्कर में आज हमें झूठ बोलना पड़ जाता, क्या होता बाके बिहारी जी। वाह राधा, तुम तो सब कुछ पता, कहाँ सीखा ये सब? हमारे गांव में, हमारे यहाँ तो हरियाली थी जैसी ही होती है, और ये सब तो हम ही करते थे। तभी तो इतनी समझदार हो, सबका इतना ख्याल रखती हो। एक ऐसी लड़की जो निष्पाप हो। वैसे बचपन में बहुत शरारती होगी, दोस्तों को मारती पीटती होगी, या घर पे झूठ तो जरूर बोला। अरे नहीं नहीं दामिनी जी, बिल्कुल भी नहीं, पाप लगे हमें अगर हम ऐसा कुछ भी करें तो। हम तो बचपन से ही ऐसे हैं, कभी किसी को नहीं मारा, ना ही कभी किसी का दिल दुखाया, ना बिल्कुल भी नहीं। गंगा की तरह निर्मल और अंशु, इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी दिखती हो, लड़के तो बहुत लाइन मारते होंगे तुम पे। कोई बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं जी 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 दामिनी जी, जी क्या कह रही हैं आप? बाकी बिहारी जी माफ करेगा, बिल्कुल भी नहीं, बाकी बिहारी जी की कसम हमने आज तक कभी किसी को उस नजर से नहीं देखा। हम तो बस अपने बाकी बिहारी जी से मन लगाए बैठे हैं, बस और कुछ नहीं। जिसके केश उसकी आस्था की तरह सिर्फ बढ़ते ही चले जाए। तुमने नहीं, पर लड़के तो तुम्हें बहुत पसंद करते होंगे, इतने लंबे सुंदर बाल है, लड़कों को ऐसे बाल ना बहुत पसंद आते, कभी कटवाए नहीं तुमने? नहीं नहीं उंगली भर भी नहीं, हमारे बाल पर आज तक कैची नहीं चली है, काटने ही नहीं देते थे कभी किसी को। बहुत पसंद है हमें लंबे बाल। कैची तो अब तुलसी पर चलेगी, मिल गई मुझे मेरी लड़की। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरा बकरा तो घर में ही घूम रहा है। राधा तुम तुलसी का सिंदूर घर से निकालने के लिए परफेक्ट, अब तो गई तुलसी इस घर से। वेल डन दामिनी। कुछ कहा जीती आपने? मैं कहने वालों में से नहीं, करने वालों में से हूँ जी। मैंने भी कहा तुम्हें अपने बातों में फंसा लिया, तुम जाओ अपना काम कर लो, वो मेहंदी का सेटअप रेडी हुआ ना, और झूला वो रेडी हुआ कि नहीं वो जरा चेक कर लो, और बाकी जो भी काम है वो प्लीज चेक कर लेना, वैसे भी सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही तो है। जी 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 हम जाकर देख कर आते, अब चिंता मत करिए, हम आते हैं। माँ बिल्कुल सही कहती है राधा, तुम अपने सारे काम बहुत अच्छे से करती हो, इसलिए मेरा आज का काम भी तुम ही करोगी। आज ही वो दिन है जब इस घर से मेरी सारी परेशानियां बाहर होंगी। तुलसी इस घर से जाने के लिए तैयार हो जाओ, वो भी उसी लड़की की वजह से जिसने अनजाने में तुम्हें दो दो बार बचाया, और आज भी अनजाने में तुम्हें घर से बाहर फेंक दे। ये हरियाली तीज मेरी जिंदगी को आबाद और तुम्हें बर्बाद करके जाएगा। ए छोरी। राधे राधे। पर माफ कीजिए आप कौन? हम जानते हैं तुझे। अच्छा मेहंदी लगवा। नहीं नहीं आप समझी नहीं, हम अरे नहीं नहीं क्या, जानकी नाम है हमारा, जानकी मौसी, 30 साल से वृंदावन की हर दुल्हन को हम ही मेहंदी लगा रहे, एक नजर में पहचान लेते हैं कि दुल्हन कौन है। तीज की मेहंदी की शुरुआत तुझ से ही करते हैं। दुल्हन? नहीं नहीं मौसी जी आप समझी नहीं, मतलब हम तो आप क्या? अरे नहीं नहीं क्या,
अरे ये तो बड़ा अच्छा शगुन है, हल्दी सूखने से पहले मेहंदी लगाई ना तो रानी की तरह राज करेगी तू। नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर हमें नहीं लगवानी है मेहंदी। अरे अब समझ क्यों नहीं, अरे सुनिए, समझिए ना, हमें लगवानी नहीं है। मोहन नाम है ना तुम्हारे दूल्हे का। मौसी जी, अरे दुल्हन के हाथ में मेहंदी लगाई। अरे पर हम वही तो आपसे कह रहे हैं, आपने ये राधा दुल्हन ये नहीं, दुल्हन मैं हूँ।